रूस यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। रूस की ओर से शुरू की गई जंग थमते नजर नहीं आ रही। न रूस वापसी को तैयार है और न ही यूक्रेन झुकने को। लेकिन दोनों देशों की जंग के बीच दुनिया विश्व युद्ध या परमाणु हमले को लेकर आशंकित है। कुछ देश सुलह करवाने को प्रतिबद्ध हैं, तो अमेरिका से दिखे बड़े देश अलग अलग प्रतिबंधों से रूस की कमर तोड़ने में यकीन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अलग अलग देशों के अलग अलग बयानों और फैसलों के बीच रूस और यूक्रेन दोनों ही ओर से हमलों का सिलसिला जारी है। इस बीच जहां काफी देश जंग पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, तो भारत एक बार फिर इतिहास दोहराते हुए तटस्थ है। भारत ना खुलकर साथ समर्थन दे रहा है और ना ही किसी के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि एक तरफ भारत रूस का पुराना साथी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत और भारतीय पीएम से बड़ी उम्मीद है। और ये दुनिया के मानचित्र पर भारत के महत्व को दिखाता है। इसी बीच पीएम और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक बार फिर बातचीत हुई। ये बातचीत एक या दो नहीं बल्कि पूरे 35 मिनट हुई। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से समर्थन मांगा और ये समर्थन राजनीतिक तौर पर मांगा गया है। साथ ही जेलेंस्की ने यूक्रेन के हालात के बारे में जानकारी दी। उधर पीएम मोदी ने यूक्रेन के हालात पर संवेदना प्रकट की और शांति प्रयासों की बात कही। दोनों ही देशों के प्रमुखों की तरफ से ऑपरेशन गंगा पर भी बातचीत हुई और साथ ही पीएम मोदी ने नागरिकों के प्रति भारत की चिंता से भी अवगत करवाया। जो लोग यूक्रेन में मौजूद हैं उनको लेकर भी चर्चा की गई और भारतीयों के वतन वापसी का भी जिक्र हुआ। साथ ही पीएम मोदी ने जेलेंस्की को शुक्रिया कहा और भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर आभार भी जताया। फिलहाल पीएम मोदी ने सभी भारतीयों की वापसी पर जोर दिया है। तो जंग के बीच दोनों नेताओं की यह वार्ता बेहद अहम मानी जा रही है। तमाम देशों की निगाहें इस वार्ता पर रही। आपको बता दें, इससे पहले 26 फरवरी को भी ये बातचीत हो चुकी है। यूक्रेन पीएम मोदी से पहले भी अपील कर चुका है कि भारतीय पीएम रूस के राष्ट्रपति से बात करें और जेलेंस्की ही नहीं बल्कि पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी संपर्क में है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की है और ये बातचीत भी लंबी चली। ऐसे में जंग की इस घड़ी में भारत की भूमिका बेहद अहम है और ये विश्व पटल पर भारत की ताकत को भी दर्शाता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ खड़ा है तो चीन रूस के साथ होने का दम भर रहा है। चीन जंग में मध्यस्थता की भी बात कर रहा है, लेकिन भारत बेहद कूटनीतिक ढंग से फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पुराने दोस्त रूस से शांति और धैर्य की अपील जरूर कर रहा है, लेकिन विश्व पटल पर रूस के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी, किसी बयान या अब तक हुई वोटिंग से खुद को दूर रख रहा है। दूसरी ओर इंसानियत के नाते यूक्रेन की मदद भी की जा रही है। दवाओं के अलावा राहत सामग्री भी यूक्रेन को भेजी जा रही है और भारत का ये स्टैंड ही भारत को वाकई भारत बनाता है। दुनिया जब जब दो धड़ों में बटी है, तब तब भारत तटस्थ रहा है। भारत की ये नीति भारत को दूसरे देशों से अलग बनाती है। ज्योति सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।